अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस 27th लेक्चर में हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे। नंबर वन, हम देखेंगे कि किसी भी ग्रुप का सेंटर क्या होता है। सेकेंडली, किसी ग्रुप के एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है, या फिर किसी ग्रुप के सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर क्या होता है। ओके, सो सेंटर से स्टार्ट करते हैं जी। फर्ज करें आपके पास कोई एक ग्रुप है जिसको हमने जी का नाम दिया है। ये हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है, देन सेंटर को हम डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी, जेड से तो डिनोट किया जाता है। और इसमें बेसिकली ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं, और मैथमेटिकली लिखना चाहें तो जेड बिलोंग्स टू जी कौन से एलिमेंट होंगे, सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑपरेशन वही होगा जो ग्रुप में हमारे पास मौजूद होगा, हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन कह देते हैं, ये कोई भी हो सकता है। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, इनके अगर इसको लिखना चाहें, सेंटर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो के बाकी तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करें, ये सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का। इसके बारे में इसकी डेफिनेट, पहले तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बारे में एक दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे। ओके, सो एग्जांपल के लिए हम जो ग्रुप्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं उन्हीं में से एक ग्रुप ले लेते हैं। जैसा कि मैं D8 ले लेता हूं, डाईहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है। पहले तो इसका ज़रा एलिमेंट एक बार लिख लें। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जनरेटर्स, तो मैं लिख देता हूँ जी, एक्स वाई दो जनरेटर हैं इसके। और इसके बाद हमारे पास एक्स की पावर 4 आइडेंटिटी आता है, और साथ में वाई स्क्वायर भी आइडेंटिटी आता है, क्योंकि वाई जो है वो रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है। और साथ में एक और रिलेशन है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स। ये ग्रुप है, हमने इसका सेंटर फाइंड करना है। मतलब क्या हुआ कि वो तमाम एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो जेड ऑफ D8 क्या होगा जी, जेड ऑफ D8। ओके जी, देखें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना, वो आपको पता है तमाम एलिमेंट्स आर कम्यूट, आइडेंटिटी ऑफ कोर्स आ जाएगा, ई आ जाएगा। और बाकी अब हमने देखना है कौन सा एलिमेंट है जो कि कम्यूट करता है। देखें अगर हम इसको देखें, एक्स को ले लें, एक्स का मतलब क्या है, रोटेशन है। अगर आप एक्स वाई कर लें, वाई का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। ये बेसिकली इक्वल नहीं होगा वाई एक्स के, हम एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों इक्वल नहीं होगा, पहले आप रोटेट करें फिर रिफ्लेक्ट करें। ये इक्वल नहीं होगा कि पहले आप रिफ्लेक्ट कर दें देन आप उसको रोटेट करें, ठीक है ना। वैसे भी ये देखें हमारे पास रिलेशन जो है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हमारे जो सेंटर में आप अगर एक्स को लेकर चल रहे हैं या वाई को लेकर चल रहे हैं, बेसिकली एक्स वाई दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स वाई दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि वाई भी एक्स से कम्यूट नहीं कर रहा और एक्स भी वाई से कम्यूट नहीं कर रहा। सो ये दो एलिमेंट्स आउट हो गए हैं। नेक्स्ट बारी आती है जी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब है दो बार आपने उसको रोटेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है ना, इसकी एक और खूबी ये है कि ये अपना इनवर्स खुद ही है, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। और अगर आप एक्स स्क्वायर को जितने भी एक्स वाले हैं उनसे मल्टीप्लाई उनसे करें तो वो कम्यूट करेगा। बेसिकली एक्स की किसी भी पावर से आप एक्स स्क्वायर को कर लें तो ये कम्यूट करेगा। सिंपल रीज़न है क्योंकि अपने आप के अंदर ये कम्यूटेटिव है, अपनी जितनी पावर्स हैं उनके साथ ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट बारी आती है जी एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब का अगर देखा जाए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, एक्स क्यूब का अगर देखा जाए तो उस का इनवर्स एक्स है, ठीक है। एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ। इसी तरह आप एक्स क्यूब के साथ ये वन बाय वन हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बता दो, इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स हैं ना हमारी इस कोर्स में, कुछ हम छोड़ रहे हैं कुछ आगे आएंगे, इन तमाम के लिए मैं अलहदा से एक लेक्चर सीरीज तैयार करूँगा इंशाल्लाह। उसमें उसका नाम होगा प्रॉब्लम्स इन ग्रुप थ्योरी। उसमें हम प्रॉपर वे से देखेंगे कैसे किसी भी ग्रुप का सेंटर टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके, और भी कई सारे क्वेश्चन हम छोड़ गए वो इंशाल्लाह हम तमाम के तमाम उसमें कवर करेंगे। सो अभी तक के लिए आप सिर्फ ये याद रख लें कि एक्स D8 का जो सेंटर है डाईहेड्रल ग्रुप का, वो उसमें जस्ट दो एलिमेंट्स आते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो बाकी एलिमेंट्स सर कम्यूट नहीं कर। चेक करने का आसान तरीका देखा ना हमने, ये देखा एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं है, ये दोनों आउट हो गए। इसी तरह आप देखें जी एक्स वाई को जब आप एक्स स्क्वायर वाई से करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, देखिए अब ये भी दोनों आपस में सोल्व अगर आप करें तो आंसर इनका सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है ये दो भी ये सेंटर से आउट हो गए,
चोर दो चार आउट हो गए, दो पे चोर रह गए, उन दोनों को आपस में करके देख लें। एक एक्स क्यूब रहता है और एक एक्स क्यूब वाई रहता है, ठीक है, एक्स क्यूब रहता है और एक्स क्यूब वाई रहता है, इनको आप करके देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, सॉरी एक्स क्यूब आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये दो भी आउट हो गए, छह एलिमेंट्स आउट हो गए, बाकी पीछे ई और एक्स स्क्वायर बचे हैं वो सेंटर में आ गए। ये इस वे में हम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम डिटेल में फिर कवरिंग करेंगे। ओके सो सेंटर की आई होप कि आपको समझ लग चुकी होगी, इस वे में फाइंड करना है हमने किसी भी ग्रुप के लिए। ओके सो अब इसके बारे में एक दो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। ओके जस्ट रिमार्क्स हैं बेसिकली, अगर आपका ग्रुप जी एबिलियन है, लिख लेते हैं इफ़ जी इज़ एबिलियन। एबिलियन का मतलब क्या है कि तमाम एलिमेंट्स हर दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इधर से हम क्या बेसिकली एम्प्लाइज करना चाह रहे हैं। सेंटर जो होगा ना आपका किसी भी ग्रुप का जो कि एबिलियन है वो जी के इक्वल आ जाएगा। क्यों जी के इक्वल आएगा? क्योंकि सारे एलिमेंट बाकी सब के साथ कम्यूट करते हैं जो भी ऑपरेशन होगा। तो अगर जी एबिलियन है देन आपका सेंटर सेट ऑफ जी जी के इक्वल। अगर साइक्लिक ग्रुप आप लेते हैं कोई भी, लेट्स से मैं C6 लेता हूँ, तो ये C6 के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि C6 जो है एबिलियन है, हम पढ़ा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ओके इसी तरह से आपका जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप होता है ये ग्रुप का सब ग्रुप होता है, ठीक है। क्यों होता है इसका प्रूफ हम कर सकते हैं लेकिन वो हम अल्फा वेरिएशन में करेंगे। सेंटर जो है जितने भी उसमें एलिमेंट्स आएंगे उनका जो एक सेट बनेगा बेसिकली वो सब ग्रुप होगा। जैसा कि ऊपर आप देखें Z D8 हमने क्या निकाला था, EX² निकाला था, तो ये आपको पता है D8 का सब ग्रुप है। क्यों सब ग्रुप है? क्योंकि ये क्लोज भी है और इसका इन्वर्स भी इसमें मौजूद है। आइडेंटिटी का अपना इन्वर्स आइडेंटिटी है और X² का इन्वर्स BX² है, तो ये एक सब ग्रुप है D8 का, ठीक है। सो अब आगे हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर हम किसी सब ग्रुप का भी फाइंड कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का भी फाइंड कर सकते हैं। मैं दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम CG से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास G कोई एक ग्रुप है, G जो है वो आपका कोई भी एक ग्रुप है, देन CG ऑफ X, X कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है इस ग्रुप का, ठीक है, X का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है इस ग्रुप का, हमने X का सेंट्रलाइजर फाइंड करना है। तो इसमें वो तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मैं इनको Z से नोट करते हैं, Z से वो तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स जो कि X के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस X के साथ कम्यूट करते हैं। लेट्स से मैं आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर D6 ले लेता हूँ। D6 की भी लिख देते हैं जरा, इसका क्या प्रेजेंटेशन है। दो जनरेटर्स हैं इसके X और Y, सच दैट X की पावर 3rd आइडेंटिटी आती है और Y की 2nd पावर आइडेंटिटी आती है, एंड वन मोर रिलेशन दैट इज XY इज इक्वल टू YX इनवर्स। ये हमारे पास D6 ग्रुप है। हमने क्या करना है, किसी एक एलिमेंट का, लेट्स से मैं X है, X ही ले लेते हैं, तो C सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा D6 और हमने फाइंड करना है जी X का सेंट्रलाइजर में वो तमाम एलिमेंट जो कि X के साथ कम्यूट करते हैं। तो आप देखें आइडेंटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, X इटसेल्फ भी आ जाएगा अपने साथ कम्यूट करता है, X² भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको, रीजनिंग दी थी कि X² और इसकी पावर 1 है बेस सेम कम्यूट करेगा बेसिकली। अब Y, वट अबाउट Y एक्चुअली, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास Y है ना, देखें XY इज़ नॉट इक्वल टू YX, इक्वल नहीं है आपस में, तो वाई नहीं आएगा इस केस में। इतना एक्स वाई को अगर आप देखना चाहें, नेक्स्ट एलिमेंट एक्स वाई है ना इस ग्रुप का, ये X² Y, वो भी दोनों X से कम्यूट नहीं करते। क्यों? आप इस रिलेशन की मदद से देख सकते। तो हमारे पास बेसिकली X का सेंट्रलाइजर E आता है, X आ रहा और X², ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि X के सेंट्रलाइजर में। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के भी सेंट्रलाइजर द सेम वे, ठीक है। ओके सो अब आते हैं जी सेंट्रलाइजर किसी सब ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से ग्रुप हमारे पास जी है, ये डेफिनेशन लिखने लगा हूँ मैं। ओके D6 ऑफ H यहाँ पर कोई एक सब ग्रुप है जी का, सॉरी जी D6 नहीं, अभी हम जी करते हैं,
ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेट्स से मैं एक्स डिनोट करता हूँ, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, जो कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, और एच क्या है जी, ये सब ग्रुप के एलिमेंट्स। इसमें ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। ठीक है, टी सिक्स ही लेते हैं अगेन हम। ओके, सो एच यहाँ पर जो है वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, टी सिक्स लेते हैं और एच की जगह हम सब ग्रुप जो लेते हैं दैट इज लेट्स से वन एक्स और एक्स स्क्वेयर, ये सब ग्रुप हम ले रहे हैं डी सिक्स का। चलो आपको पता है ये डी सिक्स का सब ग्रुप है। वन नहीं लेते, ई ले लेते हैं क्योंकि थ्रू आउट हम ई की बात कर रहे हैं ना एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमने क्या करना है, इसको एच का नाम दे देते हैं। लेट्स से कन्वीनियंस के लिए एच का नाम दे देते हैं। अब हमने इस एच का सेंट्रलाइजर फाइंड करना है, सी डी सिक्स ऑफ एच। क्या मतलब, वो तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स जो कि एच के तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करते हैं। आप देखते हैं आइडेंटिटी जो है वो इस तीनों से कम्यूट करेगा, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट इन तीनों से कम्यूट करेगा। सो ये सेंट्रलाइजर में आ जाएगा। एक्स जो है वो देखें तीनों से कम्यूट करेगा, वो भी सेंट्रलाइजर में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को देखें वो भी तीनों से कम्यूट करेगा, सेंट्रलाइजर में आ जाएगा। वाई पे आ जाए, वाई ई से कम्यूट तो करेगा बट एक्स से कम्यूट नहीं करेगा। क्यों कम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल नहीं है, वो वाई एक्स इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से देखें जी, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई देख लिया हमने, अब आगे आ जाए एक्स वाई पे। एक्स वाई भी आइडेंटिटी से बाय डिफॉल्ट कम्यूट करेगा बट एक्स से कम्यूट नहीं करेगा। हम ऊपर जो रिलेशन लिखा था ये वाला, इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई भी नहीं। सो इस सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर ये इटसेल्फ आ, सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर इटसेल्फ आ गया। ओके, आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बातें जो है वो कंजुगेसी क्लासेस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आगे होपफुली कि हम और सब। तो आज के लिए इतना ही, वेरी मच।